हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलबर्गा हेडलाइंस। वार्ड नंबर 13 में पिछले कई सालों से रोड, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिक पोल जैसी सहूलतें न होने पर लोग काफी परेशान हैं। गरीब नवाज कॉलोनी से सोशल वर्कर अफशान नाज ने एरिया के कॉरपोरेटर तनवीर अहमद सरडगी को एरिया विजिट कराकर तमाम परेशानियां बताई। तनवीर अहमद सरडगी ने गुलबर्गा हेडलाइंस से बात करते हुए इन तमाम परेशानियों को हल करने का वादा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम अफशान नाज है, मैं गरीब नवाज कॉलोनी से वार्ड नंबर 13 से बात कर रही हूँ। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपको। कुछ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ट्रेंचिंग सिस्टम नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, और ना तो इलेक्ट्रिक को बल्ब्स हैं, और ना तो फिर कुछ गार्बेज सिस्टम है। तो मैं तकरीबन 1 वीक से तनवीर सरडगी सर से मुलाकात, फ़ोन पर मेरी बातचीत हो रही है, और बहुत खुशी की बात हुई कि वो मेरा कॉल रिसीव करके वो यहाँ पर विज़िट करें और मॉनिटरिंग करें। वो हमें अहद भी करा रहे हैं कि वादा भी कर रहे हैं कि मैं 1 वीक के अंदर आपको बल्ब सप्लाई करूँगा, और 1 हफ्ते के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर मैं आपको एक करंट की बोरवेल भी दूंगा। तब तक मैं आपको पानी भी सप्लाई करूंगा, एक पानी की जो टैंक होती है, वाटर टैंक, वो भी मैं सप्लाई करूंगा। ये अहद कर रहे हैं हाँ वो। आइए हम तनवीर सरडगी सर से बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या क्या मॉनिटरिंग करें और उनको क्या क्या नज़र आया। बेसिक एमिनेंट्स हैं जी, पानी का जो इशू है, हाँ, पानी के लिए पूरा वार्ड आपका बहुत ज़्यादा परेशान है जी, इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं पानी के जो वाटर प्रॉब्लम है वार्ड नंबर 13 के अंदर, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द मेरी तरफ से मैं जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और गरीब नवाज कॉलोनी के अंदर रिसेंटली अभी हाल में हमारे मैडम कनीस फातिमा जी ने एक बोरल सेंक्शन करके ड्रिल भी करे हैं, और उसको 2 इंच पानी भी लगा है। ये खुशखबरी है जो गरीब नवाज कॉलोनी के वास्ते है। और गरीब नवाज कॉलोनी बड़ा एरिया है, वहाँ यहाँ पर हम जहाँ ठहर कर बात कर रहे हैं वहाँ पानी की ज़रा तकलीफ़ है। आने वाले दिनों के अंदर एक 20 to 25 डेज़ के अंदर मैं यहाँ एक नया बोरल ड्रिल करूँगा, और साथ ही साथ जब तक यहाँ पानी की जो तकलीफ़ है वो हमारे कॉर्पोरेशन के तरफ से हो या कोई प्राइवेट एनजीओस के तरफ से हो, मैं उनको रिक्वेस्ट करके मैं यहाँ पर एक दिन आड़ मैं एक एक वाटर टैंक भेजने की कोशिश करूँगा। अब रही बात यहाँ ड्रेन्स वगैरह, ये कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ ड्रेन्स की भी कोशिश करके मैं ड्रेन्स भी बनाने की कोशिश करूँगा। आप कोड ऑफ कंडक्ट है, एमपी साहब का इलेक्शन आ गए, ये इलेक्शन के बाद और एक बार मैं आकर यहाँ पूरे सर्वे कराकर, पूरे ऑफिसर के साथ आकर मैं सर्वे कराकर एक अच्छी तरीके से मैडम के लीडरशिप के अंदर फराजुस्सलाम साहब के को लेकर हम एक बार सर्वे कर हम इंशाल्लाह पूरा ये गरीब नवाज कॉलोनी का काम करेंगे। और दूसरा बात जो है, यहाँ लाइटों का भी थोड़ा बहुत ये है कमी पेशी आ रही, वो तो खैर रनिंग इश्यूज़ हैं, वो इश्यू को मैं 1 वीक के अंदर लाइटों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और मैं पूरे हमारे मैडम जो नाज मैडम है, सोशल वर्कर हैं, जो मेरे को लगातार एक वीक से जो बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे थे, मैं फिर उनको रेस्पॉन्स उनके थ्रू उन्हों बुलाने के वजह से मैं आकर सर्वे कराकर मैं मैडम का और पूरे कॉलोनी का और मैं हमारे जितने भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं सभी लोगों का और गरीब नवाज कॉलोनी के तरफ पूरे इससे मैं उनको शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ पर डस्टबिन भी इंशाल्लाह एक 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह डस्टबिन भी प्रोवाइड करूँगा। अगर इनकेस डस्टबिन का नहीं हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट है, थोड़ा बहुत काम ऊंच नीच होता है, ऐसा नहीं कि हम बोले होना चाहिए, बोलने के बावजूद मैं 100% में काम कराता हूँ। डस्टबिन जब वगैरह जो है ये आफ्टर इलेक्शन के बाद मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट देख के उसको डस्टबिन की ये करेंगे। चाहूंगी कि अगर डस्टबिन नहीं आएगा तो कॉर्पोरेशन से एक गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल 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 हमारा एक हमारा बिल्कुल बिल्कुल सुनो आप मैडम, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं हमारा यहाँ पर एक सुपरवाइजर रोहित बोल के है, मैं आपको नंबर देता हूँ उसका, और वो एक डेली आकर मैं आपका जो प्रॉब्लम है गैरबेज का वो प्रॉब्लम सॉल्व करके चले जाता। अगर इन केस वो रेस्पॉन्स नहीं जाता तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं फिर उसको किस तरीके से हैंडल करना है मैं हैंडल करा के भी देता हूँ।